हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस फोटो को कुछ इस तरह का बनाएंगे, इस तरह का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पिक्सआर्ट को ओपन करते हैं। अब हम उस फोटो को ले लेते हैं, उस फोटो को ले लेता हूँ मैं और इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद मैं इसमें थोड़ा साइन डाल लेता हूँ, फेस पे ग्लो आ जाए। फिर मैं पूरा साइन हटा के सिर्फ फेस वाली जगह पे मैं सिर्फ ग्लो करता हूँ। तो उसके बाद मैं फिर थोड़ा दाढ़ी दिख नहीं रही है तो मैं थोड़ी दाढ़ी को सेट कर लेता हूँ, जिससे बाद में अच्छा लगने लगे। तो इसे मैं सेट कर लेता हूँ, इस तरह देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा साफ कर लेता हूँ फेस को और दाढ़ी वाली जगह को, मूछ वाली जगह को छोड़ दूंगा। तो मैंने इधर का तो कर लिया, अब इधर इस साइड का कर लेता हूँ। धीरे धीरे मैं नई नई ट्रिक्स बताऊंगा फ़ोटो को सिंपल तरीके से बनाने के लिए, ये नहीं कि प्रोफेशनल तरीके से बनाने के। प्रोफेशनल मैं खुद नहीं बना पाता हूँ, इसलिए जो नए लोग हैं उन लोगों को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। तो देखते रहिए और बने रहिए। तो मैंने यहाँ तक की दाढ़ी तक तो सेट कर लिया और देखने में भी ठीक लग रही है। अब थोड़ा सिर का थोड़ा रह गया है, उसे भी कर लेता हूँ मैं। सिर का जब भी साइन मारे तो थोड़ा सा इरेजर को हल्का करके करें। इधर का थोड़ा हाथ का कर लेता हूँ। हाथ का भी कंप्लीट होने वाला है, हो गया है ये भी। दूसरी साइड का इधर का पैर का भी कर लेता हूँ। इधर का एक पैर का भी कंप्लीट हो गया, दूसरे पैर का कर लेता हूँ। एक बात और बताने थी कि अगर आप बैकग्राउंड अगर कट करके लगाते हैं, जो डायरेक्ट कट वाला कैंची वाला निशान पे कट मारते हैं, तो कट करने पर फोटो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो कर देता है, लेकिन मैं उस तरह कभी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा बैकग्राउंड को ओरिजिनल फोटो के पीछे उठा के लगाता हूँ, जिससे बैकग्राउंड भी उसी क्वालिटी में आए, जिस तरह की आपकी कैमरा से खींची हुई फोटो रहती है उसी क्वालिटी का आता है। उतना ही MB का, थोड़ा मोड़ा MB कम होता है लेकिन MB में ज़रूर रहता है। तो अब मैं पीछे का बैकग्राउंड ले लेता हूँ, देखता हूँ कौन अच्छा लगता है। ये ब्रेजा वाला अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कोई अदर बैकग्राउंड चेक करता हूँ जो बैक में सूट करे। तो इसे भी चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सिटी टाइप है तो ये भी फिक्स बैठ नहीं रहा है, तो इसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको पकड़ आ जाएगा। तो कोई ऐसा लगाता हूँ जो देखता हूँ मैच है। एक बैकग्राउंड और है, देखता हूँ इधर है, उसे देख लेता हूँ। तो मिल जा भाई, मिल जा, किधर गया। हाँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये बैकग्राउंड मैच करेगा। तो मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ और इसे मैं इरेज करता हूँ, जो मेरे ऊपर का जो आ रहा है उसे मैं इरेज कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसी तरह बैकग्राउंड लगाता हूँ, ऑलवेज बैकग्राउंड मैं इसी तरह चेंज करता रहता हूँ। तो
इस तरह क्वालिटी आपकी अच्छी बनी रहती है, जूम भी बढ़िया होता है। अगर आप बैकग्राउंड को अगर आप किसी बैकग्राउंड पे उठा के अपना फ़ोटो काट के लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा इसी तरह से अपना बैकग्राउंड कट करता रहता हूँ। इस तरह कट करने में टाइम तो लगता है, लेकिन आपका फोटो का क्वालिटी जो होता है बेटर होता है। लोग आसानी के लिए कट का यूज करते हैं, जिससे कि जल्दी से कट हो जाता है, लेकिन वो भी कट करता है तो बढ़िया कट नहीं करता है। कट किए हुए के लास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ देता है, जिससे बाद में देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसी तरह कर लेता हूँ। अब इधर का तो मैंने कर दिया अपने साइड का, थोड़ा बाइक का कर देता हूँ। इधर बाइक का भी कर लिया हूँ, थोड़ा मैच भी खा रहा है। तो अगर आपको क्वालिटी बेटर चाहिए तो आप आसान तरीका से यही कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ड्रॉ में जाकर ऐसे वैसे करने से होता है, तो उसमें ज़्यादा झंझट फंसती रहती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप कर सकते हैं कट। बस आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बेटर हो, जूम हो, कम से कम 2 से 3 MB या 4 MB तक का आपका फोटो हो, जिससे आपका फ़ोटो जूम पिक्सल में होता है तो जूम होता है तो बनाने में मज़ा आता है। अगर आप कट करते हैं तो बाइक को एक अगर कट करना हो तब आसानी से कभी भी नहीं कर पाएंगे। और इस फोटो में मेरा टाइम ज़्यादातर तो बैकग्राउंड चेंज करने में ही लिया है, लेकिन किया हूँ तो उतना पकड़ में नहीं आएगा। तो मैंने कर दिया है, अब थोड़ा बाइक के हैंडल का नीचे का जो बचा है उसको मैं कर लेता हूँ। तो इधर का तो कर लिया हूँ। अब थोड़ा इधर का बच चुका है, तो थोड़ा गाना डिस्टर्ब कर दे रहा है बनाने में, तो इसलिए थोड़ा इसे सही कर लेता हूँ। हाँ, या बेटर लग रहा है, थोड़ा नीचे का कर लेता हूँ। इधर का तो हो गया, बैकग्राउंड जितना था उतना तक ही था, तो उसे मैचिंग करने के लिए मैं उसमें मिला दूँगा, इससे अच्छा लगने लगेगा। इधर का थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे भी कर लेता हूँ। अब मैं हल्का इरेजर करके बादल के टाइप से करके मैं उसे मैचिंग कर देता हूँ। मैचिंग भी हो गया है, अब देख लेता हूँ कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। तो इधर सब कुछ ठीक ही लग रहा है, चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं कुछ PNG ले लेता हूँ। अच्छा, कोई ख़ास PNG तो रखा नहीं, खोजता रहता हूँ यार, लेकिन मिलता नहीं है। बहुत प्रोफेशनल एडिटर हैं जो कहाँ से लाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, उनके लिंक भी लेके चले जाते हैं गूगल में, और गूगल
यूसी ब्राउजर क्रोम ये सब वीव तो हो जाते हैं वो, लेकिन डाउनलोड का ऑप्शन ऐसा देता है कि उसकी क्वालिटी भी लो हो जाती है। तो मैं कुछ जो है उसी से काम चला लेता हूँ बस दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। उससे तो आप सब कहीं ना कहीं से तो ले पा ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डाइआर्ट स्मार्ट हीरो का PNG लगा लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पे लगा देता हूँ। थोड़ा और PNG देख लेता हूँ कोई बेटर अच्छा लग रहा हो तो। PNG का यूज नहीं करूँगा, चश्मा थोड़ा साइन नहीं मार रहा था तो चश्मे को थोड़ा बेटर बना रहा हूँ। चश्मा उसमें में अगर आपको चश्मे का कलर बदलना है तो इस टाइप से कर सकते हो, चश्मे के शीशे का कोई भी कलर ली इस वाइट और ब्लैक को छोड़ के आप कोई कलर ले के चश्मे में डाल दें और उसका कलर इफेक्ट बदलें, हर कलर का वो हो जाएगा लाल पीला हरा। तो इधर का मेरा हो ही चुका है चश्मे का, अब देखिए दूर से थोड़ा बेटर लग रहा है। देखिए इसमें थोड़ा बदल लेता हूँ, देखता हूँ मैच होता है कि नहीं, तो कोई खास नहीं लग रहा है तो मैं इसका चश्मे को चश्मे के कलर का फील थोड़ा करता हूँ। देखिए पीले कलर को मैं डाला तो अदर कलर का भी बन जा रहा है, तो छोड़िए उसका क्या करना है, बस दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इधर का ये कलर तो मैंने सेव कर लिया है, अब कुछ और बाकी रह रहा है क्या, नीचे का तो कुछ करना नहीं है। स्मार्ट हीरो का ले लेता हूँ और दो तीन लाइट वगैरह ले लेता हूँ, तो लाइट वाइट लगा देता हूँ। वैसे इसमें लाइट वाइट का उतना कुछ खास काम नहीं है, फिर भी देख लेता हूँ। तो इसका लगाने का कहीं सेटअप अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे इधर कंधे की तरफ लगा देता हूँ, और इसका देखता हूँ इसे थोड़ा फील मिला देता हूँ कि जैसे लगे कि यहाँ पीछे से लाइट लगी हुई है, आगे तक का फोकस नहीं दे रहा है। तो अब देखिए बेटर लग रहा है। अब इसका बैगनी वाला यूज कर लेता हूँ, इसे लगाने से कोई फायदा वैसा तो है नहीं, लेकिन देख लेता हूँ क्या काम आता है, तो यहीं पे लगा देता हूँ। और ये हीरो वाला जो है इसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकला क्योंकि स्मार्ट हीरो फिर भी लिखा हुआ है, तो इसे हटा देता हूँ मैं, इसी तरह रहने देता हूँ बस, इसे सेव कर लेता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं लाइट रूम में, अब लाइट रूम में मैं फ़ोटो ऐड करता हूँ जो पिक्सआर्ट से बनाई थी। अब मैं इसे ले लिया हूँ, अब मैं इसमें इसे रेटेड करके बनाता हूँ, क्योंकि रेटेड करके बनाने में इंफॉर्मेशन और बनाने में मज़ा आता है, खड़े सीधी मोबाइल में खास कुछ अच्छा बन नहीं पाता है। स्टेप बाय स्टेप इसमें देखिए क्या कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको जो अच्छा लगे अपने फोटो पे वैसा करिए कीजिएगा, लेकिन स्टेप यूज जरूर करिएगा क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरे फोटो में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, उसके हिसाब से हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं।
इसको तो मैं पूरा 100 कर लेता, इसको भी 100 कर लेता, क्योंकि इसका कुछ खास मतलब सिर्फ दीवार पे ब्लू वाले पे दिखाई देगा, तो इसे मैं उतना ही रहने देता हूँ। अच्छा भी लगता है पीले पे आसमानी कलर, और इसका तो कुछ खास मतलब नहीं, फिर भी इसे थोड़ा मोड़ा कुछ कर लेता हूँ। चलिए इधर का स्टेप तो पूरा हो गया है, अब कोई अदर स्टेप देखता हूँ। का देख लेता हूँ कितना अच्छा लगता है, इसको 29 रहने देता हूँ, इतना ही ठीक लग रहा है। इसको मैं इधर का तो कुछ करना नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा, डार्क बना देता है फोटो को, तो लाइट इसमें चली जाती है। मैं सीधा आ जाता हूँ हाईलाइट पे, हाईलाइट 10 रहेगा, शैडो भी 10 से 12 तक रहेगा, फिर बैलेंस उसका भी वही जो रहेगा सब सेम रहेगा, 11 11 10 10 12 12। कॉन्ट्रेस्ट को मैं पूरा कर देता हूँ, कलर नॉइज पीसी रहेगा। फिर मैं इसमें अदर फिल्टर देता हूँ तो कुछ अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं ओरिजिनल उसी तो कर रहा हूँ, तो उसे सेव कर लेता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं स्नैपसीड, जो बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है, इसमें मैं कलर फील करूँगा कि बाइक में साइन वगैरह आए और लाइट भी थोड़ा दे, तो देखिए कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब इधर की बैक सीट को भी थोड़ा कर लेता हूँ, इधर का तो हो गया। अब उसके बाद शर्ट को देखता हूँ, तो शर्ट में कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि खास इफेक्ट डालने पे ओवर हो जाएगा, इससे अच्छा छोड़ देता हूँ इसे। कुछ थोड़ा मोड़ा ऐसा डालता हूँ जिससे थोड़ा मोड़ा बदले, तो भी बदलेगा कहाँ, थोड़ा सा लाइट आएगी बस। अब इधर का तो हो गया है, थोड़ा दीवार का देख लेता हूँ, और थोड़ा घास पत्तियाँ वत्तियाँ देख लेता हूँ जो फील हो जाए उसमें। अब इसका दाढ़ी वाड़ी देख लेता हूँ, वैसे दाढ़ी को ब्लैक करने पे फेस का कलर चेंज हो जाएगा, देखते डार्क हो जा रहा है, तो उसे मैं अप्लाई नहीं करूँगा। इधर का तो अप्लाई हो गया है, अब बाल का पहले फेस का देख लेता हूँ, थोड़ा मोड़ा इसे बड़ा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। इधर ला देता हूँ, इधर थोड़ा डाल बढ़ा लेता हूँ, अब ठीक लग रहा है, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब हेयर का देख लेता हूँ, तो हेयर थोड़ा ब्लू में था, तो अदर कलर अप्लाई करने पर कुछ खास इफेक्ट नहीं दे रहा और भद्दा बना दे रहा है, तो मैं इस इफेक्ट को अप्लाई नहीं करूँगा, थोड़ा मोड़ा डार्क करूँगा उसे। तो हेयर का तो कर दिया, थोड़ा क्लिक कर लेता हूँ, ये भी अब अच्छा लगने लगा है। इधर का गले का देख लेता हूँ, अब थोड़ा दूर से देखने में अच्छा लगेगा, तो मैं इसे कर लिया हूँ। बाल को थोड़ा कलर करना ही पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा भी थोड़ा चश्मे को साइन डाल देता हूँ, तो इसका
इधर का तो इतना, यहाँ इतना सही रहेगा, इतना ही रहने देता हूँ। इतना थोड़ा लाइट मार रहा है, ठीक लग रहा है मेरे को। जैसा जैसा अच्छा लगता है वैसा बना देता हूँ। आप भी बनाइएगा अगर तो अपने हिसाब से कलर वलर देखिएगा। और अगर थोड़ा नीचे का देखा तो नीचे का अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे वैसा ही छोड़ देता हूँ। के बाद मैं क्या चप्पल को देख लेता हूँ कुछ इफेक्ट इसमें भी आता है कि नहीं। हाँ तो थोड़ा सा डार्क किया हूँ अब टायर का देख लेता हूँ। टायर इधर का थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है सौ करोकर तो मैं थोड़ा सा इसे कंट्रास्ट बढ़ा के या घटा लेता हूँ। सैचुरेशन को घटा देता हूँ, स्ट्रक्चर को बढ़ा देता हूँ। अब ब्राइटनेस थोड़ा कम कर थोड़ा सा कम करूँगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। तो अब तो हर चीज़ सही हो गई है। थोड़ा सा फेस पे रेड कलर लिप्स पे आ रहा है तो उसे मैं थोड़ा कम कर लूँगा। 25 तक रहने देता हूँ, उतना ही ठीक लग रहा है। अब सही है, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये फ़ोटो थी, अब देखिए कितना इफेक्ट पड़ा इस फ़ोटो में वो आप बताइए।